प्यारे दोस्तों, मैं हूं अनु त्रिपाठी और आज आप लोगों के बीच में मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। मैं आपको बता दूं कि किस तरह से चौकीदार विभाग का सत्यानाश किया जा रहा है और इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे तत्व असामाजिक हैं जिनकी वजह से ये संभवतः लगातार चौकीदारों का शोषण होते हुए आ रहा है। आपको बताना चाहता हूँ कि अगर वो बेचारे गरीब हैं या कमजोर है ना, तो उनको ऐसे डांटा जाता, धमकाया जाता है कि बेचारे डर तक जाते हैं। मतलब एक व्यक्ति मुझसे अगर सही सलाह ले रहा है और मैं उसको सही रास्ता बता रहा हूं, तो उसमें उसको डांट कर उसे माफी मंगवाई जाती है। जरा सोचिए और जरा इस जुबानी को सुनिए और फिर मुझे बताइए, क्या ये इस तरीके से बर्बरता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आप खुद सुनिए और खुद देखिए। हाँ सर, कौन आपने बताया कि उन्हें जो पैसा ढूंढा जा रहा है जिले पे जाएगा, जिले के बाद फिर उनको राजू शुक्ला जी के पास जाएगा? हेलो, हाँ सर, कौन आपने बताया है? अभी तुम उनसे क्या नाम है, अनु त्रिपाठी जी से बात की हो, कल हमसे भी की, हमने भी तुमको समझाया। हेलो, हाँ सर, बताओ कहाँ, कौन बताया आपने राजू दुबला पैसा, राजू दुबला देंगे भैया? कोई बताया तो नहीं है। तो अपने मन से बकचोदी कहाँ कर रहे हो बताओ? तुम्हारे से दुर्बुद चौकीदार की वजह से आजकल ना जो है होने वाला था जो काम वो भी नहीं होगा, जान पाओगे नहीं, वो अपने पेड़ने लगते हो तुम। ना जो मुकदमे तुमको ना जुड़ना हो जाएगा यार, दिक्कत हो तुमको तो। चलिए सर, गलती हो गई। ठीक है, मगर जब कल तुमको समझाया गया नहीं बताया गया एक बार? हाँ सर, गलती हो गई, आपसे गलती नहीं। ये बताओ कल तुमको समझाया गया कि नहीं समझाया गया? जब अब जरा सोचिए कि अगर इसी तरह उनको धमकाया जाए और इसी तरह उनके साथ बर्बरता की जाए, तो आखिर इस विभाग का क्या होगा? जो अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी मानते हैं, मैं उसे ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो गा गा के मुकदमा मुकदमा चिल्ला रहे हो सोशल मीडिया पे, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि जो कार होते चुपचाप होते हैं कि गाना गा गा के होते हैं। पहले खुद दिमाग लगाओ, फिर उसके बाद दूसरों को समझाओ, मेरा इतना कहना है। बाकी मैं इस मुकदमे का खंडन करता हूँ, जिसको जो समझना वो समझे, ये गलत है, गलत है, गलत है। मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ, आज नहीं तो कल पछताना पड़ेगा। जय हिंद, जय